हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए अभी हमें देखिए एक कोडिंग प्रॉब्लम करने वाले हैं। तो देखिए इस प्रॉब्लम को करने के लिए यहाँ पर 45 मिनट का टाइम मिला था, राइट। तो चलिए मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर देखिए, जैसे आपको पता है कई सारे टेस्ट केस होते हैं, लेकिन ये जो प्रॉब्लम है ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पर बेस्ड है। जो मैं कोड आपको यहाँ पर शो करने वाला हूँ उसके हो सकता है कई सारे टेस्ट केस हों, तो हर एक टेस्ट केस को पास करना ये यहाँ पर बड़ी बात होगी। ओके, तो चलिए देखते हैं हम इसको। तो यहाँ पर देखिए एक सॉल्व क्वेश्चन है, तो मैं यहाँ से प्रोसीड करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमारा क्वेश्चन आ जाता है, और क्वेश्चन देखिए बहुत ही इजी है। आप जो अपना लॉजिक बनाएंगे डेफिनेटली वो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को करने के लिए सफिशियंट होगा, लेकिन यहाँ पर जब आप कंस्ट्रेंट्स में देखेंगे, जो यहाँ पर कंस्ट्रेंट दिया गया है, तो यहाँ पर जो n और p की वैल्यू दी गई है, तो यहाँ पर देखिए ये लार्ज वैल्यू है, बहुत ही बड़ी वैल्यू है। तो अगर आप जो अपना लॉजिक बनाएंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, अगर वो ज़्यादा इफ़िशेंट नहीं होगा तो यहाँ पर सारे टेस्ट केस पास नहीं होंगे, राइट। तो चलिए मैं पहले आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले देखिए आपको एक नंबर दिया जाएगा n, और उस n की रेंज देखिए ये हो सकती है, यहाँ पर कॉन्स्टेंट में दिया है, तो n की वैल्यू जो है वो 10^15 आर्डर तक की हो सकती है, जो कि एक बहुत बड़ी लार्ज नंबर है। फिर आपको करना क्या है कि जो ये n में नंबर है उसके फैक्टर्स करने हैं। तो फैक्टर्स का मतलब है कि जो वो नंबर जो 20 को डिवाइड कर रही हैं, तो जैसे यहाँ पर उन्होंने दिया है कि 1, 2, 4, 5, 10, 20, ये वो नंबर हैं जो इस 20 को डिवाइड करेंगी। तो इन नंबर्स को आपको क्या करना है कि एक अरे में स्टोर करना है, ठीक है, और आपको एक पी वैल्यू दी जाएगी। तो यहाँ पर जैसे पी वैल्यू क्या है, 3, तो यहाँ पर दिया गया है देखिए कि जो बेस इंडेक्स है नॉर्मली वो 0 से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पर आपको 1 कंसीडर करना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर पी की वैल्यू 3 है, तो ये जो आपके पास अरे है फैक्टर वाला, इसको आप काउंट करिए, तो 1, 2, 3, तो 3 नंबर पर कौन सा यहाँ पर इंटीजर टाइप का वैल्यू है जो कि एक फैक्टर है 4, तो इस केस में आपको 4 रिटर्न कर देना है, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, लेकिन मान लीजिए पी की कोई ऐसी वैल्यू इंटर की जा रही है, मान लीजिए यहाँ पर 6 इंटर कर दी जाए या 6 से बड़ी इंटर कर दी जाए, तो क्योंकि उतने एलिमेंट तो हमारे अरे में है ही नहीं, तो उस केस में आपको क्या करना है, 0 रिटर्न करना है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है। अब चलिए यहाँ पर देखिए, मैं इस प्रोग्राम को पाइथन में करने वाला हूँ, तो यहाँ से हमने ये पाइथन 3 सेलेक्ट कर लिया है, और ये बेसिकली यहाँ पर ये फंक्शन है। तो इस फंक्शन को देखिए, हमें n की वैल्यू पास की गई है और p की वैल्यू पास की गई है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले देखिए मैं इस क्वेश्चन को क्या करता हूँ, मैं नॉर्मल तरीके से करूँगा। तो मैं एक लिस्ट बना लेता हूँ यहाँ पर अपनी नंबर्स को स्टोर करने के लिए, ठीक है। फिर मैं क्या करता हूँ, क्योंकि मुझे उस नंबर का फैक्टर निकालना है, तो मैं लिखूँगा फार आई इन, और एक जो सिंपल सा तरीका होता है रेंज, मैं क्या करूँगा 1 to n+1 एक लूप चला दूँगा, ठीक है, और मैं चेक करूँगा इफ़ जो n में नंबर है वो मॉडुलर i करने पर ≥ 0 है, तो मुझे क्या करना है, जो हमारी ये लिस्ट है उसमें मैं क्या करूँगा, अपेंड कर दूँगा। क्या अपेंड करूँगा, मुझे i को अपेंड करना पड़ेगा। तो इस तरह से जितने भी फैक्टर होंगे वो क्या होंगे, हमारे इस l नाम में l जो लिस्ट है वो अपेंड हो जाएंगे। अच्छा, एक बात यहाँ पर और बोली गई है, हमने ये बताया नहीं आपको। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि जो आप यहाँ पर इस फैक्टर को स्टोर कर रहे हैं वो हमेशा असेंडिंग आर्डर में आपको स्टोर करना है, उसके बाद रिटर्न करना है ना। तो असेंडिंग आर्डर में पहले आपको अरे के स्टोर करना है और उसके बाद रिटर्न करना है। मान लीजिए अगर आपका जो अरे है, जो लिस्ट है, अगर वो असेंडिंग आर्डर में नहीं है, तो कोई दूसरा इंटीजर वैल्यू रिटर्न हो जाएगा जो कि रॉन्ग होगा, ठीक है। तो देखिए, तो अब देखिए यहाँ पर जो मैं ये काम कर रहा हूँ, यहाँ पर हमने लिखा है l.append, क्योंकि जो हमारा लूप चल रहा है वो 1 से स्टार्ट होकर n तक जा रहा है, और उसी आर्डर में नंबर अपेंड होती जा रही हैं, तो हमें यहाँ पर अपनी लिस्ट को सॉर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर मैं क्या चेक करूँगा, जो p में हमारे पास डेटा है, मैं चेक करता हूँ अगर जो हमारे लिस्ट की लेंथ है अगर वो ≥ p है, तो हमें क्या रिटर्न करना है, नंबर रिटर्न करना है। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, रिटर्न और l of p-1 करूँगा, क्योंकि हमें यहाँ पर इंडेक्स नंबर 1 से गिनना है, ठीक है, और else में जाऊँगा, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो मुझे यहाँ से क्या रिटर्न करना है,
जीरो रिटर्न कर देना है, तो जो हमने यहाँ से कर दिया। तो चलिए अब ये देखिए प्रोग्राम हो गया है, तो ये सिंपल तरीका है। तो अभी आप यहाँ पर देखेंगे, हो सकता है ये कुछ टेस्ट केस पास हो जाएं। तो जैसे यहाँ पर टोटल 13 टेस्ट केस हैं, राइट। तो देखिए यहाँ पर कितने टेस्ट केस पास होते हैं। तो ओके, यहाँ पर देखिए आप कि हमारे 6 टेस्ट केस पास हो चुके हैं अभी तक, और अभी ये टेस्ट केस जो हमारे यहाँ पर रन हो रहे हैं, और उनके लिए देखिए यहाँ पर ये वॉच का सिंबल बन के आ गया है, मतलब टाइम लिमिट जो है वो क्रॉस कर गई है, है ना। तो यहाँ पर आउट ऑफ 13 टेस्ट केसेस हमारा 7 टेस्ट केस ही पास हो पाया है। तो अब देखिए ये सिंपल सा लॉजिक तो कुछ नंबर के लिए काम किया है, लेकिन जैसा हमने आपको पहले ही कहा था, देखिए आप कंस्टेंट्स में देखिए तो जो n की वैल्यू है वो बहुत बड़ी नंबर है। तो अगर आप लूप चलाएंगे 1 से लेके इस नंबर तक, तो ऑफकोर्स वो लूप बहुत ही ज़्यादा टाइम कह लीजिए कि रन होने वाला है, इसलिए ये जो हमारा फंडा है ये फेल हो जाता है। तो अब देखिए मैं क्या करता हूँ, इसको मैं मॉडिफाई करता हूँ। तो मैं यहाँ से देखिए क्या करता हूँ, किसी भी नंबर के फैक्टर को स्टोर करने का, फैक्टर को पाने का तरीका ऐसे तो है ही है, आप सिर्फ मॉडुलर चेक करते जाइए, अगर डिविजिबल बाई है तो अपेंड कर लीजिए, लेकिन एक और मेथड होता है। तो आप वहाँ पर क्या करिए कि जैसे ये आई नंबर है, आपने क्या किया, जैसे मान लीजिए इस समय हमारे पास लेट से पी में क्या है, इस समय हमारे पास एन में एक नंबर है 10, और मैं वही एग्जांपल ले लेता हूँ। ओके, पाइथन में हमें यहाँ पर हैश लगाना पड़ेगा, 10 हो गया, और मान लीजिए पी में हमारे पास है 3, तो हमें 10 के फैक्टर चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर अपने लूप को 10 टाइम चलाने की बजाय मैं क्या करता हूँ, इसके स्क्वायर रूट SQRT में एक फंक्शन को कॉल करता हूँ, और उसमें मैं n पास करूँगा। तो हो सकता है कि ये नंबर का जो स्क्वायर रूट हो वो डेसिमल हो जाए, तो मैं क्या करता हूँ, मैं उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर मैं एक दूसरा अप्रोच बता रहा हूँ कि आप किस तरह से किसी भी नंबर के फैक्टर आसानी से ज़्यादा टाइम, बिना ज़्यादा टाइम अपने इस लूप को रन किए हुए पा सकते हैं। तो हमने यहाँ पर अपने लूप को कितनी बार चलाया, स्क्वायर रूट टाइम तक, मतलब अगर मान लीजिए हमारे पास n में 100 है, तो ये लूप हमारा टोटल 10 टाइम चलने वाला है। देखिए पहले केस में हमारा लूप 100 टाइम चल रहा था, लेकिन इस केस में सिर्फ और सिर्फ 10 टाइम चल रहा है, ये बात यहाँ पर आप नोटिस करिए। अब क्योंकि हमने स्क्वायर रूट फंक्शन को यूज किया है, तो हमें यहाँ पर एक जो ये मैथ, इसको हमें देखिए इम्पोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने कर लिया, अब ये बिल्कुल वैलिड है। फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं करता हूँ, जैसे हमने आई को अपेंड कर लिया है, उसी तरह से मैं एल डॉट अपेंड करता हूँ एन डिवाइडेड बाई आई को। तो देखिए क्या हुआ, पहली जब बार जब आई में 1 होगा, तो यहाँ से क्या अपेंड हो जाएगा, 1, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू होगी। और जब आप 10 ये डिवाइडेड बाई 1 करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 10 भी अपेंड हो गया। तो एक साथ मैं इस n के दो दो फैक्टर को स्टोर कर रहा हूँ, समझ बात आई, हम एक साथ ही n के दो फैक्टर को स्टोर कर रहे हैं। लेकिन एक बात आप यहाँ पर समझिए कि अगर ये नंबर एक बड़ी नंबर होगी, तो हो सकता है कि कोई फैक्टर रिपीट हो जाए, समझ बात आपको आ रही है, हो सकता है, अगर चांस बन सकता है कि रिपीट हो जाए। तो अगर क्योंकि मैं दो दो स्टोर कर रहा हूँ यहाँ पर, तो रिपीट ना हो, उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं लिस्ट में नंबर स्टोर कर रहा हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, लिस्ट की बजाय मैं एक सेट क्रिएट कर लेता हूँ, क्योंकि हमें नंबर रिपीट नहीं चाहिए। और क्योंकि अब सेट में देखिए अपेंड नाम का फंक्शन नहीं होता है, ऐड होता है, तो यहाँ पर मैं ऐड फंक्शन को यूज कर लूँगा। तो इस तरह से देखिए हमने काम वही किया है, लेकिन एक साथ मैं दो दो फैक्टर को स्टोर कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पर देखिए कि पहली बार 1 चला गया है, फिर दूसरी बार 10 चला गया, तो इस बार जो हमारे सेट में नंबर हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर, दैट इज असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, है ना। तो हमें डेफिनेटली अपने सेट को क्या करना पड़ेगा, सॉर्ट करना पड़ेगा। तो देखिए अब मुझे क्या करना है, जो भी इस सेट में यहाँ पर एल में नंबर है, नंबर उनको हमें सॉर्ट करना है।
तो सॉर्ट करने के लिए देखिए सेट में तो कोई फंक्शन होता नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ कि पहले मैं उस सेट को लिस्ट में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो हमने इसमें अपनी लिस्ट को पास कर दिया, ठीक है। तो अब जो क्या हुआ, जो हमारे पास सेट था वो लिस्ट में कन्वर्ट हो गया जो L1 में है, और मैं L1 डॉट सॉर्ट करके मैं उसको क्या कर सकता हूँ, सॉर्ट कर सकता हूँ, है ना। और फिर मैं यहाँ से चेक कर लूँगा, और अगर ये कंडीशन देखिए ट्रू है तो मुझे जो L1 में है L1 ऑफ P-1 रिटर्न करना है, अदरवाइज हमें 0 रिटर्न करना है। तो ये बात आपको समझ में आई। चलिए मैं इस कोड को एक बार फिर से रन कर देता हूँ, और ये देखिए हमने रन किया है, और यहाँ पर कई सारे टेस्ट केस हैं, 13 टेस्ट केस हैं देखिए। ओके, यहाँ पर कुछ इरर आ रहा है, इज़ नॉट डिफाइंड। ओके, ये देखिए हमने यहाँ पर स्क्वायर रूट को कॉल किया है, लेकिन हमें यहाँ पर मॉड्यूल का नाम लिखना पड़ता है, देखिए वो हमने मिस्टेक कर दिया था, ठीक है। ओके, तो वो मिस्टेक अब देखिए हट गई है, इसीलिए इरर आ गया था। फिर से मैंने देखिए इस कोड को रन कर दिया है, तो चलिए देखते हैं। और ये प्रोग्राम देखिए कई सारे टेस्ट केस हैं, तो ओके अभी भी कुछ इरर है। ओके, सॉर्ट की स्पेलिंग हमने मिस्टेक कर दी, यहाँ पर SORT, राइट, कई सारी इरर हो गई हैं। चलिए कोई बात नहीं, ओके आई होप कि अब कोई इरर ना हो। और देखिए यहाँ पर अब देखिए मैसेज आपको मिल रहा है कि ऑल अवेलेबल टेस्ट केसेस पास्ड। तो आई होप कि आपको ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पर जो प्रॉब्लम था समझ में आया होगा, और अगर आप इस तरह के कई सारे क्वेश्चन करना चाहते हैं, आपको ये अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कर दीजिए, राइट। और चलिए मैं इस कोड को अपना सबमिट कर देता हूँ ताकि हमारे स्कोर में ऐड भी हो जाए। तो हमने यहाँ से अपना कोड सबमिट कर दिया है, और जैसे हमने सबमिट कर दिया तो यहाँ पर देखिए आता है आई एम डन विद दिस टेस्ट एंड यस क्लोज दिस टेस्ट। ओके, तो ये टेस्ट केस हमने क्लोज कर दिया है। सो थैंक यू सो मच।